देश के जाने माने शायर राहत इंदौरी का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सुबह अस्पताल में किए गए थे भर्ती। देश में हर रोज 60,000 से ज्यादा केस, संक्रमण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर। विश्व में कोरोना मीटर हुआ और तेज, न्यूजीलैंड में 102 दिन बाद मिला नया केस। कोरोना की पहली वैक्सीन रूस में लॉन्च, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को लगाया गया पहला टीका। सितंबर के अंत तक शैक्षणिक संस्थान खोलने को तैयार केंद्र सरकार, 2 शिफ्टों में खोला जाएगा स्कूल। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने की बात हुई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, पिता की मौत के बाद बेटी भी पिता की संपत्ति में बराबर की होगी हकदार। लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के 2 एटीएम में लगी आग, लाखों के कैश जले। भाजपा सांसद साक्षी महाराज को आया पाकिस्तान से कॉल, मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईडी दफ्तर में दोबारा पूछताछ के लिए पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी। मैकडोनाल्ड्स के पूर्व सीईओ के खिलाफ केस दर्ज, यौन संबंध के मामले में झूठ बोलने का लगा आरोप।